आज के सेशन में मैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और क्विक से बनने वाला रेसिपी बताने वाली हूँ एनर्जी बॉल का, जिसको हम एनर्जी बॉल कहते हैं। एनर्जी बॉल इसलिए क्योंकि इट्स फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स घी से प्रिपेयर होगा, तो इट्स फुल ऑफ एनर्जी। लाइक अगर आप अपना डे स्टार्ट करते हैं तो इट्स अ किक स्टार्ट फॉर योर डे। अगर आप एक ग्लास दूध पीते हैं एंड साथ में अगर ये बॉल खा लेते हैं, और यू कैन कॉल इट लड्डू ऑल्सो इन अवर देसी लैंग्वेज, तो इट विल गिव अ किक स्टार्ट और यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। इसमें इंग्रेडिएंट्स सर ड्राई फ्रूट्स है नॉर्मली जो आपको घर में अवेलेबल होता है, आलमंड, बादाम, काजू, कैशिस, वॉलनट्स एंड खजूर, डेट्स। सीडलेस अगर हो तो बेटर होगा, जिससे कि आपको वो अलग से सीड निकाल के और वो नहीं करना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास सीड वाला भी है, इट्स ओके, यू कैन रिमूव एंड यूज। ठीक है, मैंने इसको सिंपली ऐसे नॉर्मल चाकू से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, आई हैव जस्ट कट इट लाइक सिंपल सिंपल, ओके। और ये मैंने अबाउट 10 ग्राम अंजीर लिया है, जो अंजीर डाइसेस में आते हैं अंजीर, तो एक डाइस लिया है मैंने और उसको भी चाकू से चॉप कर लिया। ये सारी चीजें इतनी सॉफ्ट होती है, दे आर सो इजी टू कट, इट जस्ट टेक अ मिनट इवन। और ये क्रेन बेरी है, ड्राइड क्रेन बेरी है। क्रेन बेरी स्मॉल साइज में होते हैं, तो इसको कट करने का कोई वो नहीं है, वी कैन यूज इट जस्ट लाइक दैट। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रेन बेरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको नहीं ऐड करने से आपको न्यूट्रिशियस नहीं होगा, इट्स जस्ट एन ऑप्शन और एड ऑन फ्लेवर टू योर एनर्जी बॉल, राइट। और ये मेरे पास एक कप ऑफ ड्राइड वो है पाउडर है, या फिर नारियल का बूरा यू कैन से, जो कि नॉर्मली मिल जाता है। और अगर आपके पास नारियल भी है, अगर होल सूखा हुआ, तो भी आप उसको ग्रेट करके यू कैन ईजिली मेक उसका पाउडर एंड बूरा, ऑलराइट। So that's all what we need for this. So let's start cooking. So मैंने सिम बिल्कुल लो फ्लेम रखा है एंड नाउ मैं इसमें एक स्पून ऐड करूंगी घी। अब तो फ्लेम जस्ट ध्यान रखिए कि फ्लेम इसमें हाई नहीं होना चाहिए, जस्ट लो होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइटली रोस्ट करना है अपने और ड्राई इसको नारियल के बूरे को, कोकोनट पाउडर को, ऑलराइट। रोस्ट कर, जब हम कोकोनट पाउडर रोस्ट करते हैं तो व्हाट हैपन कि एक तो जो इसका हल्का सा कच्चापन होता है वो रिमूव हो जाता है, और देसी घी में रोस्ट होने से इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स देसी घी, व्हाट डॉक्टर्स आल्सो रिकमेंड दैट 1 to 2 स्पून देसी घी हमें रोज कंज्यूम करना चाहिए। सो दिस इज द वे वी कैन कंज्यूम, एंड इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें घी है, राइट। सो वन स्टेप वी आर डन, हमने रोस्ट कर लिया है और ये हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है नारियल पाउडर, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। सो मैंने इसे पैन से एक सेपरेट प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, एंड इसी सेम पैन में मैं फिर से 1 स्पून घी डालूंगी, एंड मेरे जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं मैं उन्हें रोस्ट करूंगी फॉर अ मिनट, ऑलराइट। तो इट्स हार्डली टेक अ मिनट टू रोस्ट इट, उससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उतनी ही जरूरत है, राइट। सो अगेन मैंने सेम पैन नहीं चेंज करना है, बस उसी पैन में ही मैंने किया है, और मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड कर रही हूँ, काजू, बादाम एंड वॉलनट्स, ये तीन मैं रोस्ट कर रही हूँ। बाकी जो है वो मेरे लिए एज एन बाइंडर भी एक्ट कर रहे हैं, तो उसको मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑलराइट। तो बादाम, काजू और वॉलनट, ये तीन चीजें मैं रोस्ट कर रही हूँ। एंड नाउ द कुकिंग, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है और हर कोई चाहता है कि मिठाई के अलावा कुछ हेल्दी चीज हमें गिफ्टिंग के लिए मिल जाए, सो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। आप ये बनाइए, इसको आप जिसको भी देंगे उसका हेल्थ भी बनेगा, एंड न्यू चीज भी होगी जो कि नॉर्मली लोग नहीं वो करते हैं, सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो। इसके बाद भी इफ यू वॉन्ट आप उसको ग्राइंडर में
ग्राइंड कर सकते हैं, बट व्हाट आई विल डू, क्योंकि मुझे बहुत फाइन ग्राइंडिंग नहीं चाहिए, कोर्सली ग्राइंड करना है, तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास ये कि लाइक मोम दस्ता है, तो मैं इसमें ही इसको हल्का सा कूट लेती हूँ एंड इट्स डन फॉर मी. एंड इफ यू वॉन्ट, अगर आपको ये फजी लगता है तो आप इसको ग्राइंडर में जस्ट वन क्विक स्टर वो दे सकते हैं एंड इट विल बी डन. All right, हमारे ड्राई फ्रूट्स भी डन हो गए हैं और इसमें हल्का सा घी इसमें है, तो मैं अब गैस ऑफ कर दिया है मैंने. एंड उसके बाद मेरे बाकी जो थे क्रैनबेरी, अंजीर और ये जो डेट्स थे चॉप किए हुए, डेट्स मैंने इसमें 7 लिए हैं, 6 से 7, दैट्स फाइन, क्योंकि अंजीर भी हम जो कट करते हैं वो भी बाइंड करता है, वो भी स्टिकी होता है, तो डेट्स से आपको बहुत ज्यादा लेने की उसमें जरूरत नहीं है. अब इतना ही इसमें लेके और मैंने इसको मिक्स कर दिया, गैस मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने रोस्ट किया था ये मैं इस बाउल में ऐड कर रही हूँ. एक बाउल ले लेंगे बड़ा सा जिसमें से हम आराम से मिक्स कर सकें, ये मैंने इस पर ट्रांसफर कर दिया. और अब इसको, ये जो मेरा रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स है इसको मैं इसमें डाल दूंगी इसको फोर्सली ग्राउंड करने के लिए. मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी है तो मैं इसमें कर पा रही हूँ, अगर अगर आपके पास बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, तो वो इट्स फाइन. One other thing what you can do, आप पहले ही जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको आप चाकू से छोटा छोटा सा कट कर सकते हैं, लाइक टू दैट विल ऑल्सो वर्क. इससे क्या होगा कि जब आप बाइट लेंगे एक एनर्जी बॉल का तो आपके मुंह में चंक्स आएंगे अलॉन्ग विद द दैट अंजीर एंड ऑल, तो यू विल फील गुड. तो इसीलिए हम इसे कोर्सली ग्राउंड कर रहे हैं, हम इसे फाइनली ग्राउंड नहीं कर रहे हैं. ओके, तो मैंने इसको चॉप कर लिया है, ब्राउन कर लिया है. ये हमने कोसे ग्राइंड कर लिया है, राइट, ठीक है. एंड नाउ मैं आई एम जस्ट मिक्सिंग इट, नथिंग. सो मिक्सिंग डन हो गई है, ठीक है. अब मैं इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो बॉल्स भी अगेन आपकी चॉइस है, आपको छोटा बॉल बनाना है या एनी शेप यू कैन गिव इट, राइट. मैंने इसका मोदक भी ट्राई किया है गणपति में, क्योंकि ये तो बॉल्स है तो वी कैन ऑल्सो मेक इट इन अ शेप ऑफ मोदक. एंड जैसे जैसे आप इसमें मिक्सिंग करके एंड यू स्टार्ट बाइंडिंग लाइक दिस, तो क्या होता है कि जो हमने घी किया है और जो इसका स्टिकीनेस है वो और ज्यादा अच्छे से बाइंड हो जाता है, और वो अपना ही एक अलग से बाइंडिंग से सिक्रीट करने लग जाता है. तो वो जो आपको जो डाउट था ना कि ये ऐसा तो नहीं कि बाइंड नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने चॉप किया है ना डेट्स, यू कैन ग्राइंड इट, तो वो मोर इजीली वो वाली डाउट भी नहीं रहेगा कि बाइंड नहीं हुआ तो क्या करेंगे. दिस इज लाइक दिस वी कैन मेक बॉल्स. तो ये मैंने एक बॉल बनाया, ये एक मैंने मीडियम साइज लिया है, राइट. तो इस तरह से मैं सारे बॉल्स
बनाती जा रही हूँ। क्योंकि हम इसमें चॉप करते हैं तो इसमें प्रॉपर ऐसे गोल सा लाइक राउंड बॉल विल डोंट गेट, इसमें एक अनइवन सा आता है। ऑलराइट, एंड इफ एट एट सम पॉइंट अगर आपको लगे तो आप इसमें, अगर आपको लग रहा है लाइक फर्स्ट टाइम, सम टाइम वी व्हेन वी प्रिपेयर एनी फूड फॉर फर्स्ट टाइम और कोई भी रेसिपी हम पहली बार ट्राई करते तो कुछ इस कम ज्यादा हो जाती है एंड सम अप एंड डाउन, तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें 150 आपके पास है तो यू कैन एड लिटिल बिट मोर डेट्स। आपको दिखाया वैसे ही हम इसमें बॉल्स बनाते जाएंगे एंड बॉल्स हमारे बन जाएंगे। राइट, सो लाइक दिस energy balls will be prepared and it's ready to eat.